हर किसी की इच्छा होती है कि वह एक घर का मालिक बने, पर सपनों का घर खरीदना कभी कभी आर्थिक तंगी वाला डरावना सपना भी बन सकता है। क्या कोई ऐसा उपाय है जो हमारे समाज के कमजोर वर्गों के लिए भी आवास सुविधा को ज्यादा किफायती बना सके? हाँ, बेशक, प्रधानमंत्री आवास योजना की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम या CLSS आपके सपनों के घर को वास्तविकता में बदल सकती है। तो इस स्कीम का क्या उद्देश्य है? प्रधानमंत्री आवास योजना योग्य आवेदकों को लोन अमाउंट पर इंटरेस्ट सब्सिडी के साथ होम लोन प्राप्त करने में मदद करती है। आवेदक के इनकम ग्रुप के आधार पर एक नया घर बनाने या एक घर खरीदने या घर के रेनोवेशन के लिए यह सब्सिडी प्राप्त की जा सकती है। मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड भी इस प्रोग्राम को प्रमोट करते हुए समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उनके सपनों का घर दिलाने में मदद कर रहा है। अब आप पूछ सकते हैं कि इनकम ग्रुप से हमारा क्या मतलब है और मैं किस इनकम ग्रुप से संबंध रखता हूँ। आवेदकों की वार्षिक घरेलू आय एनुअल हाउसहोल्ड इनकम के आधार पर यह स्कीम उन्हें अलग अलग इनकम ग्रुप्स में बांटती है। एक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS, यदि परिवार की एनुअल इनकम 3 लाख रुपए तक है। दो, निम्न आय वर्ग LIG, यदि एनुअल इनकम 3 लाख 1 रुपए से 6 लाख के बीच है। तीन, मध्यम आय वर्ग 1 MIG 1, यदि एनुअल इनकम 6 लाख 1 रुपए से 12 लाख के बीच है। चार, मध्यम आय वर्ग 2 MIG 2, यदि एनुअल इनकम 12 लाख 1 रुपए से 18 लाख के बीच है। EWS और LIG आवेदक नवीन निर्माण, खरीदी और इंक्रीमेंटल हाउसिंग के रूप में वर्तमान घर में अतिरिक्त कमरों, किचन, टॉयलेट आदि के लिए इस सब्सिडी स्कीम का लाभ ले सकते हैं, जबकि MIG 1 और MIG 2 आवेदक इस सब्सिडी का फायदा एक घर की खरीदी या निर्माण के लिए ले सकते हैं, परंतु घर की मरम्मत और रेनोवेशन के लिए नहीं ले सकेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत CLSS योजना 20,073 वैधानिक कस्बों तथा नियोजित क्षेत्रों में उपलब्ध है। कस्बों की अपडेट सूची देखने के लिए आप यह लिंक चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि वास्तव में यह स्कीम किस बारे में है और आपको कितनी इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। EWS तथा LIG वर्ग के आवेदक 6 लाख रुपए के लोन अमाउंट पर 6.5% की इंटरेस्ट सब्सिडी का फायदा प्राप्त कर सकते हैं। 6 लाख रुपए के अधिकतम अनुमत अमाउंट के ऊपर के किसी भी अतिरिक्त लोन अमाउंट पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। इस मामले में आपको 2,67,280 रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। नोट करें कि सब्सिडी अमाउंट की गणना वास्तविक लोन की अवधि या 20 वर्ष जो भी कम हो के लिए की जाती है। मूलधन या प्रिंसिपल या लोन अमाउंट कम करने के लिए इंटरेस्ट सब्सिडी सीधे होम लोन अकाउंट में जमा की जाती है और तदनुसार EMI या मासिक किश्त कम कर दी जाती है। MIG 1 कैटेगरी के आवेदक 9 लाख रुपए के अधिकतम लोन अमाउंट पर 4% की इंटरेस्ट सब्सिडी का फायदा प्राप्त कर सकते हैं। MIG 1 वर्ग के लिए अधिकतम पात्र सब्सिडी अमाउंट 2,35,067 रुपए हैं। MIG 1 वर्ग के आवेदकों के लिए अधिकतम अनुमत कारपेट एरिया 160 वर्ग मीटर या 1,721 वर्ग फुट है। MIG 2 वर्ग के आवेदक 2 लाख रुपए के अधिकतम लोन अमाउंट पर 3% की इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। MIG 2 वर्ग के आवेदकों के लिए अधिकतम पात्र सब्सिडी अमाउंट 2,30,156 है। MIG 2 वर्ग के आवेदकों के लिए घर का अधिकतम अनुमत कारपेट क्षेत्र 200 वर्ग मीटर या 2,152 वर्ग फुट है। मुझे यकीन है कि आप यह जरूर जानना चाहेंगे कि इस स्कीम से आपको कितनी बचत होगी। आइए हम एक उदाहरण से संभावित बचत की गणना करते हैं।
चलिए हम मान लेते हैं कि आपको 10 लाख रुपए का होम लोन स्वीकृत हुआ है। यदि आप EWS या LIG से संबंध रखते हैं तो इस लोन के इंटरेस्ट पर आपको 2,67,280 रुपए की सब्सिडी मिल सकती है। इस प्रकार प्रभावी लोन अमाउंट कम होकर 7,32,720 हो गया है। EMI या मासिक किश्त में होने वाली प्रति माह की बचत 3,149 रुपए है। इसका मतलब यह है कि यदि लोन की अवधि 20 वर्ष है तो आप 7,55,760 रुपए की बचत कर सकते हैं। चलिए हम MIG1 आवेदक का एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, जिसे 15 लाख रुपए का होम लोन स्वीकृत हुआ है। यदि आप MIG1 से हैं, तो इस लोन के इंटरेस्ट पर आप 2,35,068 रुपए की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार प्रभावी लोन अमाउंट कम होकर 12,64,932 रुपए हो जाएगी। इस मामले में मासिक किश्त या EMI में होने वाली प्रति माह की बचत 2,769 रुपए तक हो सकती है, जिसका मतलब यह है कि आप 6,44,560 रुपए तक की बचत कर सकते हैं। अब है ना यह मजेदार? मुझे यकीन है कि अब आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि क्या आप यह सब्सिडी प्राप्त करने के लिए योग्य हैं? CLSS के तहत होम लोन प्राप्त करने के लिए 1. लाभार्थी परिवार का खुद के या परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। लाभार्थी परिवार में पति पत्नी और अविवाहित पुत्र तथा पुत्रियां शामिल होंगे। एक बार बच्चों की उम्र 18 वर्ष हो जाने पर उनकी वैवाहिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना उन्हें एक स्वतंत्र परिवार माना जाएगा। 2. EWS या LIG के तहत संपत्ति की खरीदी के मामले में संपत्ति के दस्तावेज में परिवार की एक वयस्क स्त्री सदस्य का नाम शामिल होगा, परंतु उसे प्रथम स्वामी होने की आवश्यकता नहीं है। मात्र इन अपवादों के अधीन ही घर पुरुष सदस्यों के नाम से हो सकता है। लाभार्थी परिवार में कोई वयस्क स्त्री नहीं है। भूखंड का स्वामित्व या खरीदी 2015 से पहले की है और अब घर निर्माण के लिए लोन लिया जा रहा है। MIG योजनाओं के अंतर्गत खरीदी या निर्माण के मामले में संपत्ति का स्त्री स्वामित्व अनिवार्य नहीं है, परंतु इसे वरीयता दी जाएगी। 3. जिस घर के लिए फाइनेंस प्रदान किया है उसमें टॉयलेट, जल, सफाई, सीवेज, सड़क, बिजली आदि बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए। 4. लाभार्थी परिवार द्वारा पूर्व में भारत सरकार की किसी भी हाउसिंग स्कीम्स के तहत मदद नहीं प्राप्त की हो। आप CLSS योजना के ब्याज अनुदान का लाभ लेने के लिए जाएं, इससे पहले मैं आपको उन दस्तावेजों की सूची बता दूं जो आपको साथ ले जाने होंगे। आपको परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड प्रस्तुत करने होंगे। इसके साथ ही आपको एक स्व घोषणा पत्र भी देना होगा कि दी गई जानकारी सही है। इस स्कीम ने अनेक लोगों के सपनों को साकार किया है और उनकी जरूरतों को पूरा करने में उनकी मदद भी की है। यहाँ ऐसे कुछ लाभार्थियों की जानकारी है जिन्होंने इस स्कीम से लाभ प्राप्त किया है। बिल्डर ने मुझे सलाह दिया कि मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस के द्वारा आपका लोन करवा देते हैं। मैग्मा के अधिकारियों ने बताया हमें प्रधानमंत्री आवास योजना आपको मिल सकती है सब्सिडी। उसके बाद हमको जो है सब्सिडी आया 2,20,000 रुपया। मेरे दोस्त ने मेरे को बताया कि मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस में आप जाओ, वहाँ आपको आपको लोन के लिए अप्लाई करो। बिना डॉक्यूमेंट का आपको लोन मिलेगा, ऑटो केस पे लोन मिल सकता है आपको, तो आप तुरंत जाओ वह लोन का अप्लाई करो। उनके कहने से प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म अप्लाई किया और मेरा लोन अमाउंट 7,40,000 रुपये था। उसमें से मेरा 8,645 रुपये हफ्ता जाता था। प्रधानमंत्री आवास योजना का 2,20,000 रुपये सब्सिडी मिलने से मेरा 8,645 से 6,000 तक आ गया। तो मेरे दोस्त लोग थे, उससे पता किया मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लोन देता है करके। फिर उनके ऑफिस में गया, फिर उन्होंने बताया जो आपको सब्सिडी भी मिलने वाला है, प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए आपको सब्सिडी मिलेगा। उसके बाद में मुझे 2,20,000 रुपये की सब्सिडी मिला। आइए
अब हम इस वीडियो की प्रमुख बातों को संक्षेप में देखते हैं। तो अब आपको किस बात का इंतजार है? आप हमारे दिए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या दिए गए ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं। आज ही हमारे टोल फ्री नंबर 1800-266-3202 पर कॉल करें या customercare@magmahfc.co.in पर लिखें।